केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट का आयोजन रविवार को शहर के 108 केंद्रों पर हुआ। दो पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षा में 1,00,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। कोविड प्रोटोकॉल के 100% पालन के लिए 2 घंटा पहले से ही अभ्यर्थियों को केंद्र में दाखिल होने का मौका दिया गया। केंद्र पर प्रवेश के दौरान सभी अभ्यर्थियों को स्वघोषित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना था, जिसमें उन्हें सर्दी जुकाम या बुखार न होने की जानकारी अंकित की गई थी। केंद्र पर प्रवेश के दौरान अभ्यर्थी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य था। परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर शहर को 2 भागों ए व बी में बांटा गया था। आपको बता दें कि गोरखपुर ए के अंतर्गत 60 व गोरखपुर बी के अंतर्गत 48 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। गोरखपुर ए के सिटी कोऑर्डिनेटर आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य विशाल त्रिपाठी व गोरखपुर बी के नवल्स नेशनल एकेडमी राप्ती नगर के अजीत दीक्षित बनाए गए थे। आपको बता दें परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में हुआ। पहली पाली सुबह 9:30 से 12 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2 से 4:30 बजे तक आयोजित की गई। दोनों पालियों में 150 प्रश्न पूछे गए। घड़ी के कारण अभ्यर्थियों की परीक्षा प्रभावित ना हो सके, इसके लिए प्रत्येक कक्ष में घड़ी लगाए गए थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने कहा, जागृति रहा है। पेपर बहुत अच्छा था। किस चीज़ का पेपर था? सीटेट का, सीटेट फर्स्ट पेपर। नेहा जायसवाल। दिक्कत थी आप लोगों को? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पेपर बहुत अच्छा आया था। नेहा जायसवाल। सीटेट का पेपर था, पेपर इजी था और अच्छा भी था, सारे टाइप के क्वेश्चंस थे, अच्छा लगा पेपर देखे। क्या कोई ऐसा भी टफ क्वेश्चन आया था जिसको लेकर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? थोड़ा मोड़ा तो लेवल रहता है लेकिन ज़्यादा टफ नहीं था। अनु जायसवाल। सीटेट था प्राइमरी लेवल का, पेपर तो बहुत ईजी आया था और अच्छा हुआ है और भगवान करे क्रैक हो जाए इस बार। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सारी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आई थी, जो भी चीज़ें पूछी गई थी सब जो भी प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी उसी से रिलेटेड थी, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज थोड़े चेंज कर दिए गए थे। परमजीत कौर। सीटेट का पेपर था, हम लोग का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ था। जी नहीं, कोई प्रश्न सा नहीं था। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा पेपर आया था, बहुत ही अच्छा। शुभ्रा श्रीवास्तव। सर, सीटेट का मैंने एग्ज़ाम दिया, जिस प्रकार से समय मिला था डिले होते गया था तो हम लोग के दिमाग में था तो काफ़ी हार्ड पेपर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत अच्छा पेपर आया था सर और बहुत अच्छा पेपर हुआ भी। अपराजिता दुबे। सीटेट का फर्स्ट मोटिंग का पेपर दिया था 1 to 5th वाले में, और पेपर ठीक था, बस थोड़ा सा यहाँ पे टाइम का थोड़ा सा डिले कर दिए लोगों ने देने में, बाकी ठीक था, थोड़ा मैथ में थोड़ा सॉल्विंग टाइम थोड़ा कम मिला, बाकी सब कुछ पेपर ठीक हुआ, अच्छा हुआ। अर्पिता सिंह नाम है मेरा। सीटेट का एग्ज़ाम था हमारा और पेपर अच्छा आया था, बस मैथ्स में थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था, नहीं तो अच्छा आया था। और टाइम इसको बहुत टाइम था कि टाइम को हम जितना सेव कर सकते हैं पैडागॉजी जो था हमारा उसमें कर सकते थे, क्योंकि प्रैक्टिकली थोड़ा ज़्यादा सोचना होता है तो उसके लिए टाइम बहुत चाहिए होता है, लेकिन टाइम थोड़ा कम पड़ गया। पेपर ठीक गया, अब देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। पेपर तो सारा अच्छा जाता है, रिजल्ट की बारी आएगी तब समझ में आएगा कि कितना पढ़े थे कितना सही गए हैं हम लोग, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 2-3 पलट के हो जाते हैं कि क्या सही है क्या 2-3 में ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, अदरवाइज़ ठीक है।